अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो व्लॉग हैं आप सबको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो जैसा कि आप हमारी वीडियो देख चुके होंगे चैलेंज वाली, तो कुछ दिन पहले हिना ने मुझे चैलेंज दिया था मेकअप करने का। तो आप सबको पता है कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ मेकअप का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी शॉप बंद हो गई है, मतलब लोग आना बंद हो गए। क्या वजह है? मेरे ख्याल से वो जो वीडियो वायरल हुई ना हमारी, तो मेरे ख्याल 100 मिलियन व्यूज तो आ चुके हैं उस पर। वो इतने मिलियन व्यूज हैं कि बस इंतजार। वो मेरी दुकान जो ना वो उस मेकअप के बाद जो ना वो बंद ही हो गई है। दिन में वैसे 2-2.5 हज़ार जो है ना वो लोग आ ही जाते थे हमारी बहनें, लेकिन अब तो 2-2.5 भी नहीं आती। 2-2.5 हज़ार तो छोड़ें, 2-2.5 भी नहीं आती। अब आप मालूम कर रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे, भाई 2 तो सही है, 2.5 अब क्या होता है? 2.5 से मुराद ये होता है कि बच्चियां शच्चियां छोटी बच्ची भी आ जाती थी 2-3 हज़ार। बस इम्तियाज शुरू हो गए अब ये कि मुझे रोना आ रहा है कि मेरी शॉप बंद हो चुकी है। और उस वीडियो के बाद क्योंकि 100+ मिलियन व्यूज आ चुके हैं ना, 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उस पे, उस वीडियो पे। तो गाइज आप भी आइए और वो वीडियो चेक करें, देखें मैंने कितना अच्छा जो ना वो इसका मेकअप किया था। लेकिन चलो जो भी था, चैलेंज में जीत गया था क्योंकि जितना जो कुछ मुझे आया मैंने कर दिया था। तो आज मैंने इसके लिए एक चैलेंज रखा है। मैं इसलिए चुप हूँ कि इम्तियाज ने वो मेरा मेकअप करके मुझे चुप करवा दिया है। तो जाहिर सी बात है वो इतना अच्छा किया था, 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उस वीडियो पे, लोगों ने और इंडिया में मशहूर हो गई है, पूरे पूरे एशिया में मशहूर हो चुकी है वो हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारे मेरे दोस्त यार मेरी फैमिली में सारे वो मतलब हंस हंस के, मतलब उनके पेट में दर्द हुआ पड़ा है। वो कह रहे हैं इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, कितना इतना अच्छा मेकअप किया है। तो चलो खैर कोई मसला नहीं है। तो आज मैंने इसके लिए एक चैलेंज रखा है। चैलेंज तो मैं जीतूंगी इंशाल्लाह। नहीं, चैलेंज तुम जीतो या हारो, लेकिन मुझे तो यकीन है कि तुम हार ही जाओगी। जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह। जब तूने मेरी दुकानदारी बंद करा दी है तो मैं भी कराऊंगा। अच्छा, उस वीडियो के बाद से तुम्हारी दुकानदारी बंद हो? नहीं तो क्या, 100 मिलियन जो भी हमारी वीडियो आती थी उस पे मतलब व्यूज देख लो कि कम होते थे, उस पे 100+ मिलियन व्यूज आ चुके हैं। 100+ मिलियन, सही बात है। ये इम्तियाज के मेकअप की वजह से सारा हुआ है। तो अभी अच्छा यार, अब ये तो जो मैंने सोचा हुआ था, तूने माशाल्लाह वो ड्रेसिंग भी वही की हुई है सिंधी। क्या सोचा हुआ है? मैं तो ऐसे ड्रेस पहना हुआ है आज मैंने। ये तो मैं बेसिकली मैं सिंधी लैंग्वेज हूँ और ये उर्दू बोलती हैं, तो आज मैं इसके लिए ना एक चैलेंज लेके आया हूँ कि मैं सिंधी बोलूंगा सिंधी में, तो ये वो सिंधी में बोलेंगी। अगर ये बोल जाती हैं क्या, मतलब बोल लेना कोई। क्या सिंधी लैंग्वेज वाला चैनल खिलाए मुझे, वो चैलेंज खिलाए मुझे? तुम्हें तो पता है मुझे आती नहीं है सिंधी। सिंधी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो कोशिश करो कि बोल। सिंधी अच्छी लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी लैंग्वेज है, मैं कह रही मुझे आती नहीं है, तो ये मैं कैसे करूंगी? तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, अभी तुम पहले बोल चुकी हो, अब वीडियो में आके जो ना वो लाइव आके अभी तुम बोल रही हो कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा चलो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, देखना मैं कैसे बोल के दिखाती हूँ। अच्छा अभी मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, एक लफ्ज बोल रहा हूँ वो तुम बोल के दिखाओ मुझे, ठीक है? बोलो। हाँ तो अभी तुम मुझे बोल के दिखाओ, अथई नाणो तो घूम लाड़का। पहले इसका मुझे मतलब बताओ, इसका मतलब गलत तो नहीं है? नहीं पहले बोलो, नहीं मैं पहले मुझे मतलब बता, अगर मेरे खिलाफ कोई गंदी बात हुई मतलब कि मैं बुरी बात हुई मेरे खिलाफ कि मैं बुरी हूँ। लाड़काने में कौन सी बुरी बात है भाई, इसमें तुम्हारा नाम कौन सा आया हुआ है? अगर मेरे बारे में कोई ऐसी गलत बात हुई? नहीं गलत बात तो नहीं, कोई भी गलत बात नहीं। तुम बोलो अथई नाणो तो घूम लाड़कानो। अथई नाणो ते घूम लाड़कानो। लाड़कानो नहीं, लाड़कानो। लाड़कानो। हाँ देखा मैंने बोल दिया। सही सही, लेकिन थोड़ा सा जो ना तू वो हो गई थी, कोई मसला नहीं है। अच्छा अभी ना मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि तुम वो बोल पाती हो कि नहीं, क्योंकि उसमें थोड़े से उर्दू के भी लफ्ज हैं। है सिंधी की कहावत है, लेकिन ये कि चलो उसमें थोड़ा सा वो उर्दू भी मिक्स है। तो बात दरअसल ये है औरतों के बारे में कि औरतों हिक तय जू रोटियों के छोटियों के मोटियों। इसका मतलब क्या है? ये भी सही है ना भाई, मतलब गलत तो नहीं? नहीं मतलब गलत नहीं। और तुम हिक ई तय जू रोटियों
कि छोटी हूँ कि मोटी हूँ। पता नहीं क्या और तो बोलो ना, मैं थोड़ी बोलूंगा बार बार, बार बार थोड़ी मैं बोलूंगा। एक बार लास्ट चैलेंज भाई, देखो चैलेंज है तो अब चैलेंज होना वो तो खुद ही देखो। मैंने सुना नहीं सही तरह। अच्छा सुन लो, और तुम हिक तय जो रोटी हूँ कि छोटी हूँ कि मोटी हूँ। और तुम हिक जेती मोटी हूँ। हार गई, हार गई, देख ले भाई हार गई। नहीं और तुम हिक जेती टैंकी हूँ, पता नहीं टैंकी क्या मतलब टैंकी, वो कोई ऑयल की टैंकी थोड़ी है, क्या हो गया? और तुम हिक तय जो रोटी हूँ, बोलो। और तुम हिक तेजी रोटी हूँ के मोटी हूँ के छोटी हूँ के मोटी हूँ की छोटी हूँ। अब मुझे इसका मतलब बताओ। एक और नहीं, हार चुकी हो तो। नहीं नहीं ऐसे कैसे हार चुकी मैं? नहीं हार चुकी हूँ। औरत जो है वो कोई मोटी होती है कोई छोटी होती है, रोटी एक जैसी बनाती है। नहीं नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है। अब इसका मतलब ये है कि अब मतलब ये मैं किसी औरत के बारे में गलत तो नहीं, लेकिन ये एक मतलब एक हकीकत है कि जो औरत होती है वो मतलब इसका मतलब ये है कि औरत एक ही तवे की रोटी, मतलब उनकी जो सोच होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है, ये एक अलग बात है कि उनका कद, उनका मतलब वेट, उनकी मतलब वो अलग होता है। कोई ज्यादा मोटी होती है, जो कोई ज्यादा मोटियां होती हैं, कोई पतलियां होती हैं, कोई छोटी होती है कद की, कोई बड़ी होती है। मतलब इसमें ये ना, औरत एक ही तवे की रोटी, एक ही तरह की रोटी बनाती है। नहीं ये रोटी बनाने का मकसद नहीं है। अच्छा। इसमें कहावत में ये बोला जा रहा है कि औरत का जो जहन होता है ना, उसका जो मतलब जहानत होती है, उसकी जो सोच होती है वो तकरीबन औरत की एक जैसी होती है। ये एक अलग बात है कि उनका कद और बॉडी मतलब कोई छोटी होती है कोई बड़ी लंबी होती है। कहाँ से लेके आए हो? तो सिंधी कहावत है ना, ये फेमस कहावत है। तो अब मैंने तो पहली दफा सुनी है। और तो अब मुझे याद हो गया, सुनाओ। हाँ सुनाओ। और तो एक तवे जी रोटी हो, कोई छोटी हो कोई मोटी। ये तो तू अरबी शुरू हो गई, अरबी में औरतुन औरतुन छोटी हो, ये क्या बात है? ये तो बोलते हैं। नहीं ये थोड़ी है, बोलो औरतुन तवे जी रोटी हो। और तू तवे जी रोटियों कोई मोटियों कोई छोटी। तो चलो मान लेते हैं थोड़ा 50-50। तूने पहले वाला लड़काने वाला बोल दिया था। अब लड़काने का मकसद पता है क्या? अथई नाणो तो घूम लड़कानो। इसका मकसद ये कि लड़काना जो शहर है वो बहुत मतलब फेमस सिटी है सिंध का, और खूबसूरत भी है, घूमने के काबिल भी है, और दूसरा ये कि वहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अच्छे लोग हैं। तो इस वजह से ये बहुत पुरानी कोई याद कहावतें बोल रहे हो, लड़काना मुझे तो घुमाने लेके जाओ। तो चलेंगे ना कभी बोटो की मजार पे। अब ये है कि तुम्हारा जो चैलेंज है मैं मान लेता हूँ 50-50, मतलब 100% तो नहीं कहा जा सकता। ज़्यादा जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बता सकते हैं कि मतलब मैं जो है ना वो मेरे हक में व्यूवर्स ने बोलना है क्योंकि मैं जीती हूँ। नहीं जीती तो नहीं है, वो तो जो हमारे सिंधी भाई है ना, जो सिंधी बोलने वाले समझने वाले, वो मुझे बताएंगे ना, वो कमेंट करेंगे कि नहीं वो हमारी बहन ने सही बोला है कि नहीं बोला है ना। और जो जिनको ये समझ नहीं आया क्यों नहीं वो समझ ये बताएं, उनकी उर्दू बता दी है। हाँ तो देखो उर्दू बता दिए तो वो बता सकते हैं कि हाँ सिंधी में सही बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, तो अभी एक और कहावत है। कहावतें लाए मेरे लिए तो दो तीन ही, और कितनी मैं ज्यादा थोड़ी लाया हूँ। अब इतनी वो जो ना, अभी अगर मैं शाह लतीफ भिटाई के जो ना वो बेत पढ़ना शुरू करूँ ना तो तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं आएगा। अच्छा, अब तो मैंने ये बिल्कुल आसान सिंधी जो होती ना वो बोली है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने ये वाली कहावत बोल दी सही तो मैं जीत जाऊंगी, चैलेंज मेरे नाम होगा, ये याद रखना। अच्छा तो हाँ। अभी मेरे जहन में क्या आ रहा है, मैं मतलब ऐसी कोई बोलूं कि जिससे मैं ना तुम्हें हरा सकूं। जीतूंगी तुम्हें? नहीं तू जीत नहीं सकती क्योंकि तू हार ही जाएगी, मुझे यकीन है ना। मैं तू नहीं जीतेगी क्योंकि अभी तक जो ना तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 50-50 100% तो नहीं है। क्योंकि अगर मैंने मेकअप किया था तब भी हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो बहन भाई वो हमें बता चुके हैं और बताएंगे भी, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कमेंट भी आ चुके हैं 2-2.5 मिलियन तो कमेंट भी आ चुके हैं। कमेंट तो बहुत आए, पढ़े नहीं जा रहे मुझसे इतने आए। तो इस वजह से जो है ना वो फिर तुम्हारी जो है ना वो भी
मतलब मैं तुम्हारी जो चैलेंज है वो उसको मैं 100% नहीं कह सकता, ठीक है? ठीक है चलो, अब ये लेकिन मैं जीतूंगी अगर ये वाला बोल दिया, ये बात याद रखना। अब देखते हैं, अगर तुम बोल गई, तुम मुझे नहीं लगता 100% तो नहीं बोल सकती। कुत्तो कुत्तो जिथे भी वेंदो आहे, कुत्तो जिथे भी वेंदो आहे पुछ मारे वेंदो आहे। इतना आसान है ये, देखो कुत्तो जिथे भी वेंदो आहे पुछ मारो मारता है। इसका मतलब ये थोड़ी है, ये लगता है मीसा उड़ गया। मीसा उड़ गया, हमारा मीसा उड़ गया। वो देखो मीसा उड़ गया। मीसा को आज मैंने सुला दिया था क्योंकि इसे बहुत नींद आ रही थी, और अब मीसा उठ चुका है। ये देखो हमारे मीसा भी उठ चुका है और हमारी चैलेंज में शामिल हो चुका है। ये तो सो गया था, हमने सोचा इसको सुला दें, लेकिन ये डर गया कि मीसा पापा ये क्या कर रहे हैं। और ये रोई जा रहे हैं, तो अभी इसको हम चुप कराएंगे। माशाल्लाह चुप तो हो रहा है, इसे भी पता चल गया कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये चुप ही हो गया है, लेकिन अभी भी ये नींद नहीं है। तो गाइस आज का चैलेंज जो है वो चैलेंज मैं जीती हूँ। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी रहो ना आप, जहाँ भी आप रहते हो, तो उस जगह को आप साफ सुथरा रखें, क्योंकि जो कुत्ता भी होते हैं ना वो भी जहाँ बैठते हैं तो वो पूछ से जो ना अपनी वो से साफ करता है अपनी जगह को, फिर बैठता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी रहो, जिस जगह पे भी जाओ, तो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो ये ब्लॉग है, ये जो वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, चैलेंज है ये, आपको पसंद आया होगा। और ये जो सिंधी लैंग्वेज मैंने बोली है, ये भी मेरे मुँह से आप सबको अच्छी लगी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तुमने मतलब टूटी फूटी बोली, इतनी पूरी 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने सही बोली है, क्योंकि जो जिसे एक लफ्ज भी ना आए और वो बोल जाए, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ और वेल डन। और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों को भी ये हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हमारा मिट्टू भी उठ चुका है, तो अभी मिट्टू से बातें होंगी हमारी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।